हेलो गाइस, अभी हाल ही में जो है ठगेस ने बीबी की वाइंस यानी कि भुवन बाम को बुलाया था अपने शो में। पहला ठगेस ने अपना एक शो रखा है और उसमें टॉक शो पे उन्होंने भुवन बाम को बुलाया था और रोस्ट भी किया था, लाइव रोस्ट किया था। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हो क्या चल रहा है, दिस इज महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो सीजन 1। आप लोग सोचोगे कि क्या है द थगेश शो, ये एक बहुत ही फ्रेश कंसेप्ट है, इंडिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। एक होस्ट बैठ रहा है एंड दो गेस्ट आने वाले हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे एंड एक्चुअली वो फनी होगा बिकॉज ये पॉडकास्ट नहीं है। तो गेस्ट, हमारे पहले गेस्ट कौन है? ये बंदे ने यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज को अपना होम पेज बना के रखा है। यस, इंडिया में बंदों को यूट्यूब के बारे में बाद में मालूम पड़ा, पहले इसके बारे में मालूम पड़ा। एंड हमारे जो सेकेंड गेस्ट है, इनके साथ वाले, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके नाम का ढिंढोरा पीटते। यस, सो गाइस प्लीज वेलकम द थगेश शो के पहले गेस्ट ऑफ सीजन 1 भुवन बाम एंड उनका वॉलेट रोहित राज। भुवन भाई एंड रोहित भाई, वेलकम टू द प्रीमियर एपिसोड ऑफ द थगेश शो। सेट भी बहुत अच्छा लगा है उन्हें, तो नो डाउट, बहुत बढ़िया सेट बनाया, बहुत हाई फाई सेट। अच्छा, सुनो भाई, भैया थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है मेरे को, कोई बात नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ, चिल रहो, एकदम अपना ही है सब। इधर आके बैठने का तो इधर आके बैठ जाओ, है ना, डिंडोरा मिले थे, अच्छा लगा। वीडियो अच्छा था, मैं था उसमें, मालूम पड़ा कि नहीं। शो का फॉर्मेट रोस्ट वाला है, दूसरे साइड पे कहीं गए, कमेंट सेक्शन में था, पेंट्री में नहीं। हाँ, कभी सोचा आपने हमारे बारे में? बीबी की वाइन यानी कि भुवन बाम को कोई रोस्ट करता है तो कितना बता बोल दिया। थगेश भाई कहाँ पे पीछे वो भाजी वाला था, वो बोल रहे हो देखो वहाँ पे, मतलब कुछ क्राइटेरिया था क्या ऐसा, इसको ऐसे कर, ये क्रिएटर रहेगा, इसके इतने सब्सक्राइबर्स रहेंगे तो इसको बुलाएंगे डांस करने। मैं ऐसा नहीं था, फ़ोन किया, नंबर नहीं था तुम्हारा मेरे पास, सिंपल। हाँ सिंपल, नंबर नहीं रहा। ठीक है भुवन भाई, अगर आपने अभी शंखनाद बजा ही दिया है हेटर्स के बारे में, तो हमारे शो का फॉर्मेट ना अभी रोस्ट वाला है, ठीक है, रोस्ट वाला फॉर्मेट है एंड आपको मेरे को रोस्ट करना है, मैं आपको रोस्ट करूंगा। बुरा एक मत, तो मुझे ठगेश की रोस्टिंग पसंद है, चले जाना, मान चुका हूँ। लक्ष्य चौधरी को पैसे डाले सेट में, कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा दिमाग लगा, उसके बाद भुवन बाम और दोनों साथ में लाइव है। आशीष चंचलानी इन भुवन बाम में पता है क्या सिमिलैरिटी है? क्या है? आशीष चंचला ने अपने फ्रेंड्स को वीडियोस में लाके पकाता है पर आपको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं। पता है भुवन बाम के कोई हेटर्स क्यों नहीं है? बंदा वीडियो साल में एक बार डालते हैं, हेटर्स भी भूल जाते रहेंगे इसको। अच्छा, ऐसे खुद का भी बनाया करो कुछ। ऑनेस्टली जानते हो मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ? नाम मालूम है, थगेश अनफिल्टर्ड, दो चैनल है। बिल्कुल थगेश अनफिल्टर्ड मेरा फेवरेट है। थगेश की तुलना महेश बाबू से कर दी, आधार कार्ड कॉपी देख रहे हैं, एक्सपर्ट कंटेंट बना रहे हैं, सेल्फ अवेयर इज बेस्ट। पर्सनल क्यों जा रहे हो भुवन भाई? ठीक है, लेकिन मैंने ताज़ा खबर का ट्रेलर देखा, ऑनेस्टली मेरे को चुम्मेश्वरी लगा, सामने बैठे इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को गोल्स लगा। मैंने जब ट्रेलर देखा मेरे को लगा कि भाई एक यूट्यूबर इस लेवल पे जा सकता है ना, तो थोड़ा सा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मजाक से हटके, ऐसा लगता है कि भाई हम भी जा सकते हैं। बिल्कुल, है ना रोहित भाई, बहुत पैसे आपके पास? अरे सीजन 2 में मेरी भी शक्ल वकल थोड़ी ठीक ठाक है या मैं देखो, देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महेश बाबू की फिल्म आई है डोरा, उसके बाद अब जो है इसका दूसरी नई फिल्म आई है। तारीफ करो ठीक है, बट एक बात है, मेरे को ढिंडोरा में आपने इनवाइट नहीं किया, मेरे को बुरा नहीं लगा, ताज़ा खबर का ट्रेलर आ गया, मैंने आपको इनवाइट कर दिया। माइक एक दिन रात को ऐसे 4 बजे फोन आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट सोच लिया, 1 लाख। ये एपिसोड ठगेश का वैसे हो तुरंत हो जाता है, काफ़ी लाखों में व्यूज और उसके बाद गेस्ट जो है वो भुवन बाम है यानी कि बीबी की वाइन है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर इनके व्यूज जो है मिलियंस में पहुंच गए, अब तो 5 मिलियन पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों अगर मैं पूरी वीडियो ऐसे चलाने लगी तो कॉपीराइट का भी इशू आ सकता है, वैसे वह नहीं देते हैं कॉपीराइट,
बड़े और अच्छे क्रिएटर्स जो होते हैं वो कॉपीराइट नहीं देते हैं, टुच्चे देते हैं, लेकिन फिर भी क्या भरोसा, इनकी टीम बैठी होती है, ये तो नहीं होते, इनकी टीम होती है। कोई कोई लोग ऑटो सेलेक्ट भी होता है, ऑटो उसमें स्ट्राइक वाला भी लगाए रहते हैं, तो जिससे कि आ जाती है। कहना चाहते हैं कि ऐसी रोस्टिंग हो तो ऐसी, और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी थी। और ये शो द ठगेश शो उन्होंने शुरू किया है, जिसका फर्स्ट एपिसोड है और फर्स्ट गेस्ट ही बीबी की वाइफ थे। तो आगे शो में क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये तो आगे पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। जो जो भुवन वाम के यानी कि बीबी वाइन के सब फैंस हैं वो भी आके देख सकते हैं, और जो जो ठगेस के फैंस हैं वो भी आके देख सकते हैं, आपको मर्जी है। आप लोग अगर देखेंगे तो हम और अच्छी वीडियोस लाना चालू कर देंगे इसी वे पे। तो चलिए मिलते हैं, बैनर्जी दी को याद रखिएगा, बाय बाय।